तो वहीं आसमगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 2125 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी, जहां गेहूं क्रय केंद्र प्रतिदिन 9 बजे से 6 बजे तक संचालित रहेंगे। रविवार व राजपत्रित अवकाश ये खरीद बंद रहेगी। आसमगढ़ जनपद के विभिन्न स्थानों पर 63 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसानों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए रख रखाव के साथ साथ विभिन्न चिन्हित स्थानों पर स्टॉल लगाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। खाद्य विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सभी किसान अपना आधार कार्ड बैंक पासबुक से लिंक करा लें, जिससे उनके द्वारा क्रय किए गए गेहूं की धनराशि PFMS के द्वारा उनके खाते में 72 घंटे के अंदर भेजा जा सके। राजमगढ़ में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का योजना का लाभ दिलाने के लिए 63 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। मेरी किसानों से अपील है कि खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें तथा अधिक से अधिक संख्या में सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेचें। इस वर्ष सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपया घोषित किया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें। किसानों को भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में PFMS के द्वारा 72 घंटे के अंदर करा दिया जाएगा।